नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। मैं हूँ शेफ गिरीश दुबे और आज की रेसिपी शेयर करेंगे आप लोगों के साथ में। उससे पहले कि आप लोगों ने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। जब भी हम वीडियो डालेंगे तो आप लोगों को अपडेट मिल जाएगा। चलिए हम बेस टक्का टक के लिए बनाएंगे टिक्का, सोया टिक्का, जो कि सोयाबीन हमने गला लिया था, बड़ी सोया चंक जो है उसको 1 घंटे पहले गला देना है और जब अच्छे से गल जाएगी तो इसको निचोड़ लेना है और फिर इसमें मिंट मसाले में डाल के इसको हमें तंदूर में सेंक लेना है। सोया बेस टकाटक बनाने के लिए ये हमने मसाला लिया, मसाला जो लेंगे हम करीब 100 ग्राम और जो हमारी बड़ी है वो भी करीब 150 ग्राम के आसपास है, भीगी हुई ये देखिए। और इसमें हमने कैप्सिकम थोड़ा सा, टमाटो, और इसको सरिया में लगाएंगे और इसको फिर हम तंदूर में सेंक लेंगे। उसके बाद में बनाएंगे हम बेज सोया टकाटक, बेज सोया टकाटक बनाएंगे, उसमें लगा लेंगे इस तरीके से, सरिया में लगा लेंगे और तंदूर में सेंक सकते हैं आप इसको, माइक्रोवन में सेंक सकते हैं, OTG में सेंक सकते हैं, आपके घर में सिगड़ी है तो सिगड़ी में सेंक सकते हैं और बाटी ओवन है तो बाटी ओवन में भी अच्छे से सिक जाता है। ये देखिए इस तरीके से हम इसको सरिया में लगा लेंगे और काफ़ी टेस्टी लगता है बेस टकाटक, सोया बेस टकाटक काफ़ी अच्छा लगता है, ज़रूर ट्राई करना। और ये देखिए और अब इसको हम तंदूर में सेंक लेते हैं और ये 10 मिनट में सिक जाता है, 8 से 10 मिनट में ये हमारा ये सिक जाएगा और ये हमारा रेडी। इसमें थोड़ा सा हम बटर लगाएंगे, बटर से लगाने से क्या होता है कि इन तंदूर का स्मोक आता जो आ जाता है, हल्का जब धुआं उठता है तो उसके स्मोक आता है, खाने में बहुत अच्छा लगता है। और ये हमारा बेस सोया पहाड़ी टिक्का रेडी है और अब चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए इसको हम निकाल लिया, सोया टकाटक की, सोया बेज टकाटक की रेसिपी शेयर करेंगे आप लोगों के साथ में। ऑयल लिया हमने 40 ग्राम, सोया बेज टकाटक बनाने के लिए गार्लिक लिया हमने 1 टीस्पून, ग्रीन चिली 1 टीस्पून और इसमें जो भी हमारे पास वेजिटेबल था आप जो भी वेजिटेबल है वो ले सकते हैं, हमने टमाटो, कैप्सिकम, रेड येलो और ग्रीन कैप्सिकम और ऑनियन, जो भी आपके पास कैप्सिकम, टमाटर और प्याज है आप इसमें डाल सकते हैं सोया बेस टकाटक बनाने के लिए। और हमने ये डाला चॉप मसाला, जो कि आप लोगों लिंक मिल जाएगी, जाके चेक कर लीजिएगा। 5 प्रकार की ग्रेवी में भी हमने डाला है और नमक डाला, धनिया डाला 1/2 टीस्पून, रेड चिल्ली पाउडर 1/2 टीस्पून, किचन किंग मसाला, गरम मसाला, चाट मसाला, हल्दी, सारा हमने डाला 1/2 टी स्पून, आधा आधा चम्मच। तो आप लोग इस तरीके से इसको बना सकते हैं और जो वेजिटेबल करीब हमने इसमें सारे मिक्स लिए हैं 100 ग्राम के आसपास, बेस टकाटक बनाने के लिए, सोया बेस टकाटक बनाने के लिए, और काफ़ी टेस्टी लगता है सोया बेस टकाटक। और हमने एलो ग्रेवी, उसकी आप लोगों बताया कि 5 प्रकार की ग्रेवी डाली, उसमें आपको लिंक दे दूंगा, जाके चेक कर लीजिएगा और आपका बहुत ही टेस्टी लगता है सोया बेस टकाटक। टिक्का मसाला ये देखिए, धनिया डाला, लेमन डाला और ये हमारा जो कि हमने सेंक लिया था तंदूर में, तो ये हमारा इस तरीके से हमने रेडी कर लिया था सोया बेस टकाटक के लिए। तो ये हम इसमें डाल देंगे और जो ये करीब हमारा इसमें है 150 ग्राम, तो हमारी जो डिश टोटल रेडी होती है वो होती है 350 ग्राम। कोई भी डिश हम 350 ग्राम, 300 ग्राम से ज़्यादा का कोई भी हम रेसिपी बताते हैं आप लोगों के लिए। और ये हमने डाला तो इस तरीके से हम सोया बेस टकाटक बना लेंगे, वो काफ़ी टेस्टी लगता है, ज़रूर ट्राई करना एक बार। और ये देखिए सोया बेस टकाटक कितना बढ़िया लग रहा है, इस तरीके से आप लोग बना सकते हैं। और हमारी रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो लाइक कर देना और कमेंट कर देना और शेयर कर देना, और आप लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जब भी हम वीडियो डालेंगे तो आप लोगों को अपडेट मिल जाएगा। और आप लोगों लिंक दे दूंगा 5 प्रकार की ग्रेवी, सेव भाजी, और इसमें आप लोग दाल तड़के में भी हमने चॉप मसाला डाला है, और हमारे नए चैनल की लिंक दे दूंगा जो समर्थ के नाम से हैं, आप जाके चेक कर लीजिएगा, थैंक यू। और इसमें हमने पंजाबी ग्रेवी डाली है और रेड मसाला तंदूर का, उसकी भी आप लोग लिंक मिल जाएगी, जाके चेक कर लीजिएगा, और ग्रीन मसाला जो मिंट मसाला उसकी भी लिंक दे देंगे, जाके चेक कर लेना। थैंक यू, धन्यवाद।